सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा नामित उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रोज 12 बजे राज्यसभा स्थगित कर नमाज पढ़ने चले जाते थे। के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए। ये प्रश्नकाल चल रहा है, करेगा है? आप बैठ, रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रश्नकाल चलने दीजिए प्लीज। कैसे हाउस चलेगा ये प्लीज? प्रश्नकाल चल रहा है, ये क्या 12 बजे के बाद हाउस नहीं चलता है? कौन करेगी करेगा इसकी व्यवस्था? हाउस होटल में चलना चाहिए, हाउस सबके सहयोग से चलता तो है और चलेगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपको देखना है। थैंक यू, नहीं तो इसका फैसला हो जाना चाहिए पहले। थैंक यू, 12 बजेंगे। ऐसे ही क्लेम के साथ कई वेरिफाइड अकाउंट्स ने ये वीडियो ट्वीट किया। वहीं अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी शेयर करने वाले अकाउंट मेक अपडेट्स ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। हामिद अंसारी साल 2007 से 2017 तक राज्यसभा के सभापति रहे थे, यानी ये वायरल वीडियो भी उसी कार्यकाल का होगा। इसी के आधार पर ऑल्ट न्यूज ने डेट फिल्टर के साथ कीवर्ड सर्च किया और हमें ये रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में SC ST को प्रमोशन में आरक्षण वाले विधेयक पर बार बार हो रहे खलल का विरोध करते हुए मायावती ने ये बात रखी थी। हमें ABP न्यूज की ये वीडियो रिपोर्ट भी मिली। इससे पहले सुबह 11:30 बजे आज खुद BSP अध्यक्ष मायावती ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। मायावती ने सभापति को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि 12 बजे के बाद आप चले क्यों जाते हैं। तो पहले 11:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए। ये प्रश्नकाल चल रहा है, करेगा है? आप बैठ, रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रश्नकाल चलने दीजिए प्लीज। कैसे हाउस चलेगा ये प्लीज? प्रश्नकाल चल रहा है, ये क्या 12 बजे के बाद हाउस नहीं चलता है? कौन करेगी करेगा इसकी व्यवस्था? हाउस होटल में चलना चाहिए, हाउस सबके सहयोग से चलता है और चलेगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आपको देखना है। थैंक यू, नहीं तो इसका फैसला हो जाना चाहिए पहले। थैंक यू, 12 बजेंगे फिर आप नजर नहीं आएंगे, हम इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए। अरे आप बैठ जाइए, ये क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, देखिए आप बहुत सीनियर लीडर हैं, प्लीज प्रश्नकाल चल रहा है, जवाब आने दीजिए। हमने उस वक्त कथित बिल को लेकर अलग अलग पार्टियों द्वारा क्या रुख अपनाया गया था और इस मामले में पूरा घटनाक्रम क्या था, इसके बारे में छानबीन की। 11 दिसंबर 2012 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में SC ST को प्रमोशन में आरक्षण वाला बिल समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण पेश नहीं हो पाया था। UPA इस बिल के समर्थन में था, DMK इस बिल में OBC को भी शामिल करना चाहता था। वहीं भाजपा ने इस बिल को लेकर कोई क्लियर स्टैंड नहीं रखा था। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर ये बिल पेश हुआ तो वो सदन की कार्रवाई में हर रोज बाधा डालेगी। आर्टिकल में ये भी लिखा है कि सपा ने इस मुद्दे पर 14 दिनों में कई बार सदन की कार्रवाई भी रोकी थी। वहीं 12 दिसंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने सदन में बार बार होने वाली रुकावट के कारण सभापति हामिद अंसारी पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। 13 दिसंबर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में हुई घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को फोन किया था। हालांकि उपराष्ट्रपति के अपमान के बावजूद सरकार और कांग्रेस ने बसपा नेता की खुलकर आलोचना करने से परहेज किया था। वहीं 14 दिसंबर 2012 की इस खबर में लिखा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी से कहा था कि वो उनका सम्मान करती है और चेयर का सम्मान भी करती है। उन्हें पूरा विश्वास है कि सभापति ये सुनिश्चित करने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले और बिल पारित हो। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि बार बार डिसरप्शन के कारण इस बिल को संसद के पिछले सत्र के साथ साथ इस सत्र में भी पेश नहीं किया जा सका। ध्यान दें कि इस पूरे वाक्या में नमाज का जिक्र कहीं मौजूद नहीं है।
वायरल वीडियो राज्यसभा में एक कथित बिल पेश करने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने सदन की कार्रवाई में होने वाले खलल को लेकर चिंता व्यक्त की थी।